सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRNR 14, 14वां पार्ट है, सवाल नंबर 1 से चलते हैं। एक नंबर सवाल बोलता है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, मतलब ये 1 है तो ये 3 है। कार्य कुशल मतलब ये क्षमता, क्षमता मतलब पावर। और बोलता है बी की तुलना में उससे 60 दिन कम समय में पूरा करता है। तो 60 दिन कम समय में पूरा करता है, मतलब कम समय में पूरा करता है। इसको टाइम में कन्वर्ट कर लिए, कम या ज़्यादा हम बताए थे, टाइम में कन्वर्ट करने के लिए पावर को उल्टाइए कि टाइम बचेगा। तो दोनों का अंतर कितना है, 2। तो 2 में 60, 1 में कितना हो जाएगा, 1 में 30, 3 में 90 हो गया। 2 में 60, 1 में 30, तो 3 में 90 हो गया। हमको पूछा जा रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करें। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करें, मिलकर मतलब गुना बटा जोड़ होता है, बस गुना बटा जोड़ कर लिए, बस आंसर हो गया। इसको 4 बार में काट सकते हैं, 22.5 आपका आंसर हो गया। इसको काटिएगा, 22.5 दिन आपका उत्तर होगा, आंसर हो गया, 22.5 दिन आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 पर आते हैं। 2 को समझिए, टाइम एंड वर्क भी ये बता चुके हैं, इसको बना सकते हैं आराम से। सवाल नंबर 2 पर आइए, 2 को समझिए। 2 नंबर सवाल बोलता है, एक्स वाई की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से काम करता है। एक्स वाई की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से काम करता है, मतलब क्या, ये 1 है तो ये 3। तेजी, तेजी मतलब ये भी क्षमता हो गया। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि वह अतः वह वाई की तुलना में 40 दिन पहले काम में पूरा करता है। जहाँ घटाओं की बात रहे वहाँ टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 40 दिन पहले मतलब क्या, कम समय लेता है। तो टाइम में कन्वर्ट करने के लिए 1:3 हो गया। दोनों का अंतर कितना, 2। 2 में 40 तो 1 में 20 होगा, 3 में 60 हो गया। हमको पूछा जा रहा है दोनों मिलकर, दोनों मिलकर गुना बटा जोड़ होता है। इसको हल करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, 4 बार में काट सकते हैं, 15 आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो गया, 15 आपका आंसर तैयार है। अगला सवाल बोलते हैं, ए बी की तुलना में आधा समय में कार्य करता है। ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 3 चलते हैं, 3 पर आते हैं। सवाल 3 आपको बोला जा रहा है, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, मतलब कि उसका पावर, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, आधा इसे लिखते हैं। आधा मतलब ये 1 है तो ये 2 है, ये क्षमता की बात हो जाएगा, क्षमता हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है, सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा काम कर पाता है। मतलब सी के बारे में बोला, सी ए और बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा काम कर पाता है, मतलब ये 1 है तो ये 2 है, ये भी क्षमता है। तो हमको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि यदि सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में पूरा करे, मतलब क्या, सी एक पावर है तो 40 दिन में, एक पावर है तो 40 दिन में। तो हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो बताइए कि सभी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सभी मिलकर क्या, ए बी सी तीनों एक पावर है तो 40 दिन में, तो 3 पावर होगा तो कितना दिन में, कम समय होगा, कम समय लेगा, 40/3 मतलब 13.1/3, ये मतलब तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर आपका आंसर हो गया 13.1/3। तो तीनों मिल गया, अगर ए बी सी तीनों को, ये 2 और 1 को जोड़ देंगे, ये 3 हो जाएगा, तो तीनों मिलकर 13.1/3 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया 13.1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल 4 पर आइए। 4 नंबर सवाल बोलता है, ए बी से किए हुए काम में 50% ए जो है, बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा किए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। सवाल में 4 आते हैं, 4 बोलता है, ए बी से किए हुए काम में 50%, ए बी से किए हुए काम में 50%, मतलब क्या, ये 100 कर पाता तो ये 50 कर पाता है, ये हो गया, मतलब ये 1 होगा तो ये 2 हो गया, 50% हो गया। उसका बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में काम कर पाता है, तो बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 काम में कर पाता है, इसके बारे में बोला जा रहा है। इसको सजाना पड़ेगा तब होगा, सेटिंग तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा सवाल दे दिया, इसमें समझना पड़ेगा, इसके लैंग्वेज पर जाना पड़ेगा, तब सवाल बना आपका बनेगा। सवाल देखिए कहता क्या है, सवाल यहाँ पर बोला जाए, ए बी से किए हुए काम में 50%, ए जो है बी से किए हुए काम में 50% यहाँ बोला जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ए जो है, ए बी से किए हुए कार्य में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3, यानी कि बी जो अगर एक्स समय लिया तो ए 50% काम, मतलब आधा काम, इसके द्वारा लिए गए समय से 1/3, 1/3 मतलब कितना, x/3 समय में पूरा करता है। तो पूरा करने में समय कितना लेगा, 2x/3,
यानी x समय लेता तो ये 2x बटा 3 पूरा काम लेता है। अब कहता है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर गुना बटा जोड़ होता है, तो गुना बटा जोड़ कर लेते हैं। इसको गुना बटा जोड़ करेंगे, x बटा 2 x बटा 3 हो जाएगा 10 दिन में, तो 10 हो गया। इसको हल कीजिए, बस आंसर हो गया x गुना 2 x बटा 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x बटा 3 होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 10। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बटा 2x बटा 5 इक्वल टू 10। तो यहाँ 5 बार में काट सकते हैं, तो x बार कितना होगा, 25। तो हमको पूछा जा रहा है कि b कितना समय लेगा, b 25 दिन लेगा, यही आंसर हो गया, ये पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल 5, 5 को आइए, 5 को देखते हैं। 5 नंबर पर देखिए सवाल, 5 नंबर सवाल कहता है ए एक काम को 21 दिन में कर पाता है, ए एक काम को 21 दिन में, बी ए से 40% अधिक कार्य कुशल है। बी के बारे में बोला ए से 40% अधिक कार्य कुशल है, मतलब ये 100 से 140, तो इसको 0-0 काट सकते हैं, 7 अनुपात 5 हो गए। कार्य कुशल मतलब ये क्षमता होता है। तो हमको पूछता है बी द्वारा उसी काम को करने में कितना समय लेगा, कितना समय में समाप्त कर सकता है। देखिए बी के बारे में पूछा है, ए का यहाँ क्षमता कितना है, 5 पावर है, तो 21 दिन में एक पावर होगा तो कितना ज़्यादा समय लेगा, ज़्यादा के लिए गुना होगा। हमको पूछा जा रहा है कि अब बी 7 पावर है, 7 पावर हो जाए तो कम समय लेगा, कम के लिए क्या होगा, तो भाग करेंगे, आपका आंसर हो गया 15। ये उत्तर हो गया 15 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल 6 उसी तरह से 6 बनाइएगा, 7 भी उसी तरह से चलेगा, 7 बना सकते हैं इसी तरह सेम है, 7 बना देते हैं, एक आध सवाल हम बना देते हैं, फिर आप बनाते रहेंगे इसको। 7 नंबर आते हैं, 7 नंबर समझिए, 7 नंबर सवाल कहता है जो सवाल एक टाइप का बता देते हैं उसको एक दो बार देखिए। ए बी से 20% कम समय लेता है, ए जो है 20% कम, ये 100 तो ये 80 होगा, इसको 4 बार में, इसको 5 बार में, ये क्षमता की बात होगी, क्षमता हमने लिख दिया। उसके बाद बोला जा रहा यदि ए इस काम को 7.5 घंटे में करता है, ए 4 पावर है तो 7.5 घंटा, 7.5 घंटा मतलब 15/2, तो एक पावर होगा तो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा के लिए गुना होगा, 15/2 × 4, इसको 2 बार में काट सकते हैं, ये 30 हो जाएगा, 30 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है कि बी उसे कितने घंटे, बी का पावर कितना है, 5, एक पावर है तो 30 घंटा में, तो 5 पावर होगा तो कम समय होगा, कम के लिए भाग देते हैं, यानी 6 डे आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पढ़ाइए, सवाल में 8 8 पर आइएगा, 8 को समझिएगा। सवाल नंबर 8, 8 नंबर सवाल बोलता है कि एक विक्रेता ने एक घोड़ा उसके मूल्य पर 20% छूट पर खरीदता है। एक घोड़ा विक्रेता ने एक उसकी मूल कीमत से 20% छूट पर खरीदता है, कीमत मान लेते हैं, यानी कीमत 100 था, 20% छूट, तो 20% छूट मतलब 80 में खरीदा, तो 80 में खरीदा तो 80 हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है उसने उस मूल कीमत से 40% अधिक कीमत में बेच दिया, तो यहाँ खरीदना मतलब ये क्रय मूल हो गया, खरीदा उसका 40% अधिक पर बेच दिया, बेचना मतलब विक्रय मूल, मूल कीमत से 40% अधिक, तो मतलब 100 मूल कीमत था, 140 में बेच दिया। तब कहता है हमको तो उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ, 80 रुपया में खरीदा, 140 में बेच दिया, तो समझिए कितने 60 रुपये का लाभ हो गया, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल, क्रय मूल कितना 80 हो गया। बस इसको कटा लेते 3 बार में, इसको 4 बार, ये 25 हो गया, तो आपका आंसर कितना होगा, 75% आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा 75%, ए नंबर आंसर है, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 9 पर आते हैं, 9 नंबर आइएगा, 9 को समझिए। 9 नंबर सवाल बोलता है यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर है, अंकित मूल्य हम 100 मानते हैं, अंकित मूल्य आपका 100 रुपया मान लेते हैं, माना, तो यहाँ पर बोला जाए अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य पर, 1/4 मूल्य पर खरीदा। सवाल यहाँ बोला जा रहा है कि यदि कोई सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य पर 1/4 के बराबर है, अंकित मूल्य 100 मान लिए, छूट 1/4 के बराबर, मतलब 100 का 1/4, 25 रुपया छूट देगा, 25 रुपया छूट देगा तो बिकेगा कितना में, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 75 रुपया, 100 रुपया तो दामे है, 25 रुपया छोड़ेगा, 75 रुपया हो जाएगा। तब इस प्रकार छूट 1/4 के बराबर, इस छूट के कारण होने वाली हानि 15% है, मतलब 15% हानि हो गया, तो क्रय मूल्य कितना होगा,
तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15% हानि, यानी 75 में सेल करता है 15% की हानि, यानी 85 का वैल्यू है। तो क्रय मूल्य 100 पर गुणा करेंगे यह क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि यहाँ पर बताइए कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। लागत मूल्य मतलब यही क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य तो लागत मूल्य और क्रय मूल्य, लागत मूल्य तो हो गया और यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा, हाँ विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका क्या है 75 का अनुपात, क्या अनुपात बना लिए, 75 75 खत्म हो गया। इसको काट सकते हैं 20 बार में, इसको काट सकते हैं 17 बार में, तो 20 अनुपात वहाँ 17 चला जाएगा, 20 अनुपात 17 आंसर हो गया, 20 अनुपात 17 ये उत्तर हो जाएगा। जो लाभानी पढ़े होंगे तो उसको बना लिए होंगे, जो लाभानी नहीं पढ़े थोड़ा दिक्कत हो, एक दो बार देख लिए, नहीं समझ में कोई दिक्कत, टेंशन नहीं लेना, जब हम आपको आपको सिखाएंगे क्लास में तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल बोला जा रहा है यहाँ पर, एक्स ने कोई 10% छूट पर खरीदा और वाई को 10% लाभ पर बेच दिया, तो अंकित कीमत और उस कीमत पर वाई पर मद खरीदी के अनुपात क्या। कुछ नहीं करना, बस इसको हल कीजिए, 10% छोड़ मतलब क्या हो जाता है 90 90 बटा 100 कर लीजिए, और वाई को 10% लाभ, 10% लाभ मतलब 110 बटा 100, ये जीरो खत्म हो गया, तो 99 बटा 100 आ गया। तो हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर बोला अंकित कीमत, अंकित कीमत तो ज़्यादा होगा, यानी 100 अनुपात 99 आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा। सवाल में 11 पर आइएगा, 11 देखिए, 11 बोला जा रहा है चंदू ने एक घड़ी अंकित कीमत पर 20% छूट पर किंतु उसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब कि अंकित कीमत, अंकित हम मान लिए कितना 100 है, अंकित 100 है, अंकित कीमत से 20% छूट पर खरीदा, खरीदा मतलब क्या है, अंकित कीमत से 20% छूट पर खरीदा, खरीदा मतलब क्या, 80 में खरीद लिया, तो और उस किंतु उसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, 100 रुपया में बेच दिया, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 20 रुपये का लाभ होगा, तो लाभ गुना 100 बटा करे, करे कितना होगा 80, तो यहाँ 4 बार में काट सकते हैं, ये 25 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा 25% का लाभ होगा, ये उत्तर होगा, ये आंसर 25% लाभ आंसर बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 12 पर आइए, 12 के देखिए, 12 में सवाल बोलता है यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है, अंकित मूल्य हम क्या मान लेते हैं 100, अंकित मूल्य मतलब 100 मान लिए, तो लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य, लागत मूल्य अंकित मूल्य का 2/5 है, मतलब 100 का 2/5 है, इसको 40 रुपया हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है यदि उसे 10% छूट पर बेचा गया, 10% छूट मतलब क्या, 100 था तो 100 था, 10% छूट दे दिया, तो 90 पर बेच दिया, यानी 90 रुपया में बेचा गया, तो हमको पूछा जा रहा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 40 रुपया खरीदे, 90 रुपया में बेचे, 50 रुपया का लाभ हो गया, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 40, बस इसको हल करना आंसर हो गया, यह 0 0 खत्म हो जाएगी, 25 बार में काटेंगे, 25 125 125 प्रतिशत का लाभ होगा, यही आंसर हो गया, 125% उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर आते हैं, किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके लागत कीमत से दुगनी है, तो अंकित मूल्य उसके लागत कीमत से दुगनी है, सवाल नंबर बोला जा रहा है 13 नंबर आइएगा, 13 को समझिए, सवाल नंबर 13 यदि किसी वस्तु का अंकित कीमत उसकी लागत कीमत की दुगनी है, तो अंकित कीमत लागत कीमत की दुगनी है, लागत कीमत हम मान लेते हैं 100 रुपया, तो इसका दुगना अंकित 200 हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है लागत कीमत की दुगनी, यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो उसे कितना छूट देना होगा, यानी 15% लाभ प्राप्त करना है, तो यानी 100 रुपया यहाँ पर है, 15% लाभ पर बेचना है, तो 15% लाभ पर बेचना है, तो मतलब 115 पर बेचना है, तो अंकित तो 200 की है, 115 रुपया हमको चाहिए, तो कितना छूट देना पड़ेगा, तो छूट कितना हो जाएगा 200, 115 रुपया चाहिए उसको, तो 85 रुपया का छूट हो गया, छूट गुना 100 बटा अंकित, अंकित हो गया 200, बस इसको हल करना है, हल करेंगे इसको 2 बार में काट देंगे, 42.5 बस आंसर हो गया, ये उत्तर 42.5% का छूट देना पड़ेगा, उत्तर हो गया। अगला 30% और 20% कार्मिक छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा, ये कई बार हम बता चुके हैं, 30% छूट, 30% और 20% का छूट, यहाँ पर 30 20 कितना हो गया 50, 50 में 3 2 9 6, 50 में 6 घटेगा, आपका आंसर हो 44, या 30% छूट को 70 लिखते हैं, 70 बटा 100, और 20% छूट को 80 लिखते हैं, 80 बटा 100, 0 0 खत्म हो जाएगा, 56 बटा 100, तो यहाँ पर देख लिए 44 कम है, 44% की छूट, यही आंसर होगी, ये उत्तर हो 44% छूट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पाइए, सवाल 15, सवाल नंबर 15 यहाँ बोला जा रहा है
15 में बोल रहा, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 72 था। अंग्रेजी की परीक्षा हुआ 40 छात्रों, यानी संख्या 40 था मेरे पास, संख्या 40 था, औसत यहाँ पर 72 निकला, औसत 72 निकला। लेकिन बाद में पता चला कि 64, 64, 62 और 84 से गलती से, ये मेरा सही था, गलती से लिख दिया 68, ये गलत हो गया। इसके बाद 68 और 65, 68 65, उसके बाद 73 लिख दिया। तो गलती सुधारने के बाद औसत क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसको जोड़ कर भी कर सकते हैं या यहाँ पर भी कर दीजिए। 64 मेरा था, 68 लिख दिया, इसका मतलब 4 ज़्यादा लिख दिया, तो 4 ये प्लस लिख दिया। यहाँ पर देखते हैं, 62 मेरा था, 65 लिख दिया, यानी 3 प्लस लिख दिया, ठीक है। अब 84 मेरा था, 73 लिखा, तो 73 लिखा तो 7 4 11 11 माइनस में लिख दिया, 11 कम लिख दिया, तो 7 4 11 हो गया। अब यहाँ 4 3 7 हो गया, 7 और 11, यानी 7 ज़्यादा लिखा और 11 कम कर दिया, इसका मतलब -4, यानी 4 कम लिखा है। तो 4 कम लिखा है तो 40 संख्या में कम लिखा है ना, तो औसत बना लिए। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या, तो संख्या 40 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/10, 1/10 कम लिखा, तो 1/10 कम लिखा तो इसको लिख सकते हैं 0.1 कम लिखा, 0.1 कम लिखा, तो हमको सही करने के लिए क्या 0.1 जोड़ना पड़ेगा, यानी 72.1 आंसर होगा। जो पढ़े होंगे औसत बढ़िया से वो बना सकते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बना सकते हैं। या कोई स्टूडेंट इसको जोड़ लेगा, इसको जोड़ लेगा, दोनों का अंतर करके बना सकते हैं, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आइए। या कई बार हम गलती वाला सवाल आपको हम सिखा चुके हैं, आप नहीं सीखते हैं तो फिर आपकी गलती है, हम कई बार ये सवाल बताए हुए हैं। 50 संख्या, संख्या आपके पास 50 है, 50 संख्या का औसत 30 है, यहाँ पर औसत 30 हो गया। बाद में पता चला कि गलती से 28 तथा 31 के स्थान पर, 28 तथा 31 के स्थान पर 82 और 13 लिख दिया, ये मेरा सही था, ये गलती लिखा, तो इसको जोड़कर भी बना देते एक बार। यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी 5, इसको हम लिख सकते हैं, 5 ये 9, यानी 59 रुपया था, 95 रुपया हमको लिख दिया गया, मतलब ज़्यादा लिख दिया है इसमें, तो ज़्यादा लिख दिया है तो हमको सही करने के लिए कम करना पड़ेगा, लेकिन औसत बना के तो कितना ज़्यादा लिखा, तो यहाँ पर हम देख लेते, 59 घटा लेते हैं, 15 में से 9 गया 6, यहाँ 8 में से 5 गया 3, यानी 36 ज़्यादा लिखा, कितने संख्या में, 50 संख्या में, 50 संख्या में ये 36 ज़्यादा लिख दिया। बस इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए दिक्कत होगा, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर लिए, 100 पड़ जाएगा, ये 72 हो जाएगा, 72/100 मतलब 0.72 ज़्यादा लिख दिया, 0.72 घटाना पड़ेगा, तो 0.72 इसमें घटा लीजिए, बस आंसर हो जाएगा 30 में 0.72 घटाना है तो 0.72 ऐसे घटाएंगे, एकदम बहुत आराम तरीका से हम बता रहे हैं। तो 10 में 2 गया 8, या 9 में 7 गया कितना, 2, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर 2, 29.28 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी ये उत्तर हो गया। ऐसे बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, जो आपके अंदर जितना पावर है उस तरह से बनाइए, स्पीड से भी बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगले सवाल पढ़ाइए। किसी स्कूल के, ये फिर गलती वाला है, 17 नंबर इसका आंसर चाहिए आपको, 18 नंबर फिर आपका बना सकते हैं, 19 भी बनाइए, 19 में सेम इसी तरह से सवाल को समझिए, उसका बनाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा लिखा है तो कम कर दिए, कम लिखा है तो ज़्यादा कर दिए, सब उसी प्रकार से चल रहा है। 36 विद्यार्थियों का औसत 52 है, बाद में पता चला, सब सवाल उसी तरह से बना सकते हैं। 21 नंबर पिता पुत्र वाला थी, ये तो आप बना ही सकते हैं, पिता पुत्र वाला हम कई बार आपको बताए हुए, पिता पुत्र वाला बना सकते हैं। चलिए एक आध सवाल हम पिता पुत्र का बनाते हैं। 21 नंबर सवाल पढ़ाइए, सब सवाल हम नहीं बनाएंगे, सब सवाल बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप बनाइए, दिक्कत हो तो क्लास में पूछिए फिर। 21 नंबर सवाल, 21 नंबर सवाल है, पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की 54 है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की, ये तो बन सकता है रामबाण पर, ये बना सकते हैं, कई बार पिता पुत्र वाला सवाल आया हुआ है, ये बना सकते हैं। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु के 1/3 था, तो 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, 1/3 ऐसे लिखते हैं, राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, 5 पूर्व, तो 5 पूर्व हम लिख दिया। उसके बाद फिर बोला, उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, वर्तमान में 17 साल है, तो 5 साल पूर्व जाना पड़ेगा, 5 घटना पड़ेगा, तो 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 12, तो 12 एक में 12, 3 में 36 हो जाएगा, 3 में 36 हो गया, 5 साल पूर्व हो गया, तो हमको पूछा जा रहा है कि राम इसका श्याम के वर्तमान आयु क्या है, तो 5 इसमें फिर जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, ये आंसर है। ये कई बार आपको बताया गया है, आप बना सकते हैं इसको। चलिए मेरी वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु मेरे
मेरी वर्तमान आयु के 3 गुने। ये सवाल का लैंग्वेज गलत है, इसको सुधार के बनाना पड़ेगा, पुत्र होना चाहिए तब आपका आंसर तैयार होगा। पुत्र बना के बनाइए, आंसर बन जाएगा। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा होगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। ये सब सवाल तो आप बना सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि हम सिखा चुके हैं। चलिए एक सवाल हम बना लेते हैं। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, पिता पुत्र से 5 गुना बड़ा है, ये 1 तो ये 5 कुछ नहीं तो ये प्रेजेंट में ये वर्तमान आयु है। उसके बाद बोला जा रहा है 15 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुनी हो गया। 2.5 गुनी ऐसे लिखते 5/2, ये बड़ा आदमी है, यहाँ बड़ा लिखती है यहाँ छोटा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोले हैं, 15 लिखने के लिए और किसी एक अनुपात का अंतर, अनुपात का अंतर 3 हो गया, इसका अंतर 3 हो गया, कोना कोने गुना, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 10 में 5 के कितना 5, इसको काट सकते हैं कितना 3 बार में, 3 × 3 = 9, यानी 9 आ गया, तो 9 में जिसको गुना कर दिया आंसर हो जाएगा। पूछा है पिताजी क्या है, पिताजी 5 है, 5 से गुना कर लेंगे, 5 से गुना कर लेंगे तो ये 45 वर्ष होगा, वर्तमान में 45 साल हो गए। इस तरह के सवाल तो हम एक क्लास में इतना बताए हुए कि स्टूडेंट को याद होना चाहिए, जो नहीं पढ़े उसके लिए टेंशन मत लेना, वो हम क्लास में बताएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अगले सवाल 25 पढ़ाइए, 25 को देखते हैं, 25 को समझाते हैं। 25 नंबर सवाल यहाँ कहता है 7 क्रमिक सम संख्या का योग 140 है, योग 140 है, 7 से डिवाइड कर लीजिए, ये 20, 20 जो निकलेगा बीच वाला संख्या निकलेगा, बीच वाला संख्या 20 लिखिए, 7 क्रमिक संख्या, तो हमको पूछा जाए बड़ा संपूर्णांक क्या, ये बीच में निकल गया, यानी 3 इसके पीछे 3 इसके आगे, बीच में ये रहेगा 3 × 3 = 7, तो बड़ा आगे चलेगा तो हमको बड़ी संख्या आगे मिलेगा, तो सम संख्या 20 × 2 = 22, 22 × 2 = 24, 24 × 2 = 26, तो बड़ी संख्या क्या हो गया 26, बस आंसर हो गया। 3 इधर पीछे जाएंगे तो छोटी संख्या आ जाएगा, और कुछ करना नहीं, आंसर हो गया। सवाल में 26 पर आइएगा, 7 क्रमिक विषम पूर्णांक का औसत 133 है, 133 है, 7 है तो 7 से डिवाइड कर लिए 19 हो गया, ये बीच वाला संख्या 19 हो गया, तो हमको पूछा जा रहा है न्यूनतम विषम संख्या, न्यूनतम इधर होगा तो न्यूनतम इधर होगा 3 हम चलेंगे, तो 19 है, इसके पीछे 17, इसके पीछे 15, फिर इसके पीछे कितना 13, तो न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा 13, ये उत्तर हो जाएगा 13। आगे अधिकतम संख्या जैसे ऊपर में बोला तो ऊपर आगे बढ़ेंगे, लेकिन न्यूनतम संख्या बोला तो पीछे चलना है। चले सवाल 27 पर आइए, 27 नंबर से बोला 3 क्रमिक पूर्णांक का योग 1350 है, 1350 बटा 3 करेंगे ये 450 हो जाएगा, 450 को बीच में लिख लीजिए, तो हमको पूछा जा रहा है तो छोटी तथा बड़ी संख्या की योग क्या हो, क्रमिक है तो 451 आगे हो जाएगा, इसके पीछे 449 होगा, दोनों के योग क्या होगा, दोनों को जोड़ के बताइएगा आंसर क्या होता है, दोनों को जोड़ लीजिए आंसर हो जाएगा, और कुछ करना नहीं आंसर तैयार होगा, जोड़ लीजिए। अगला सवाल 28 को समझिएगा, 28 पर आइए, बहुत ये सब सवाल आसान होता है, सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है। सवाल 28 28 पर आइए, 28 नंबर सवाल बोलता है 3 से गुना करने वाली 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच सभी 3 से गुनज वाला 100 तो होगा नहीं, 101 करेंगे 3 से कटेगा नहीं क्योंकि योगफल सिर्फ 2 निकला, तो 102 पहला हो जाएगा और लास्ट वाला 199 हम चलते हैं तो 199 कट गया, तो पूछा जा रहा है इसका योग क्या होगा, तो योगफल का सूत्र आप जानते हैं, योगफल हमसे पढ़े होंगे, तो पहली जोड़ अंतिम बटटो गुना संख्या, बस पहली आपका 102 हो जाएगा क्योंकि 100 और 200 के बीच बोला 3 से कटने वाला यही है, 102 और 199 बटटो गुना संख्या। अब संख्या ज्ञात करने का तरीका देखिए, तो संख्या ज्ञात करने का तरीका देखिए, तो जैसे बोलेगा 10 तक में कितना संख्या जो 3 से कटेगा, तो 10/3 कर लेंगे पता चल जाएगा, हमको 199 तक में पता करना है कितना संख्या जो 3 से कटेगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा 66 हो जाएगा, 66 हो गया, लेकिन ये देगा 66 संख्या दे देगा 1 से लेकर 199 तक में 166 को होगा जो 3 से डिवाइड करेगा, लेकिन हमको 100 और 200 तक चाहिए, मतलब 100 तक नहीं चाहिए, तो 100 तक नहीं चाहिए तो 100 तो 3 से नहीं कट रहा है, 99 3 से कट रहा है, 99 तक में हम देख लेते हैं 3 से कटने वाला कितना है, तो 33 हो गया, मतलब 33 को घटा लेंगे तो 100 के बाद वाला हमको मिल जाएगा, ये 33 संख्या हो जाएगा जो कि 100 के बाद होगा 3 से कटेगा, बस 33 यहाँ लिख लीजिए, बस हल कीजिए, हल करेंगे तो यहाँ पर हल करने के बाद जो हो जाएगा वही उत्तर हो जाएगा, उसी को आपको हल करना, हल करके बताना है कि आपका आंसर ये तैयार किया होगा, इसको हल कीजिएगा आपका आंसर बन जाएगा, इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद आपका जो आंसर बनेगा वही आंसर बनेगा, और कुछ करना नहीं है आंसर बन जाएगा।
ठीक है, लास्ट वाला संख्या 199 तीन से नहीं कटेगा, 198 तीन से कटेगा, 198 कर लिए, इसीलिए पूरा पूरा नहीं कट रहा था। बस इसको हल करेंगे, हल करने के बाद आंसर हो जाएगा, ये 300 आ जाएगा, 300 गुना 2 150 आ जाएगा, 150 गुना 33 करेंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। बस इसको हल कीजिएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर क्यों और आते हैं। सवाल नंबर ये रीजनिंग है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, 20 प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, इसको बताना, ध्यान दीजिए। 20 प्रथम जिसमें लगा रहा है प्राकृतिक संख्या का योग, विषम प्राकृतिक, विषम संख्या का योगफल, विषम संख्या का योग जो होता है सूत्र होता है एन स्क्वायर, प्रथम जिसमें लगा रहा है वही एन का मान होता है, 20 का स्क्वायर कर लिया मतलब 400, यह उत्तर हो जाएगा 400, आंसर होगा 400। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। देखिए सवाल क्या कहता है, इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, तो और ये इधर बना हुआ है, दो इधर और दो इधर। देखिए ऊपर नीचे ये कट गया, किनारे किनारे कट रहा है, तो किनारे किनारे दो दो कट रहा है, तो यहाँ पर भी किनारे किनारे काट दिए, किनारे किनारे काट रहा है तो दो नंबर बन गया, तो दो ऊपर से एक काटो नीचे से एक काटो तो आपका बनेगा क्या, तो यहाँ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बनना चाहिए, इस प्रकार का जिसमें फिगर होगा वही आंसर हो जाएगा, एक एक काट दिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सब चुनने की बात है, चुन लीजिएगा आंसर हो जाएगा। सवाल पढ़ाइए, सवाल में 31 को देखिएगा, 31 नंबर बोलता है, सुरेश को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 17 के बाद लेकिन 20 के पहले, 17, 18, 19, 20, 17 के बाद, 17 नहीं चाहिए 20 के पहले, मतलब कि ये दोनों के बीच में होगा, बस लिखना है, उसके बाद बोला जा रहा है, लेकिन उसके पिताजी को याद है कि उसका जन्मदिन 18 के बाद लेकिन 21 पहले, 18 के बाद, 18 नहीं चाहिए 19, 20, 21 के पहले, बस दोनों में जो मिलता जुलता वही आंसर होगा, आंसर हो गया 19 तारीख आंसर हो जाएगा। उसी तरह 32 बना सकते हैं, 33 दोनों में जो मिलेगा वही आंसर होगा, बस लिख लेना है और कुछ करना नहीं, लिख के कॉमन निकालिए आंसर होगा, 33 बना के आंसर देंगे। 34 नंबर नीलगिरी वाला सवाल तो हम बताए हुए हैं, फिर से बता देते हैं ताकि आप समझ सके इसको, ये कई बार हम बताए हुए हैं, एक दिन क्लास में सिर्फ आपके एग्जाम में इसी टाइप का सवाल था। 34 नंबर सवाल बोलता है, नीलगिरी के लिए एक व्यक्ति ने प्रत्येक 2.5 घंटे पर बोला कि ट्रेन जाती है, नियम बोला कि 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है, मतलब 2 घंटा 30 मिनट पर ट्रेन जाती है, अगली ट्रेन और एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई है, 40 मिनट पहले गई है मतलब 40 मिनट लेट हो गई है, 40 मिनट लेट हो गया है, और अगली ट्रेन का निर्धारित समय 6 बजे, 6 बजे वाला ट्रेन पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा है, नहीं पकड़ाने की वजह क्या है, 2.5 घंटा लेट, 2.5 घंटा लेट हो गया मतलब 3:30 बजे हम गए, 3:30 बजे ट्रेन था नहीं पकड़ाया, 40 मिनट लेट हो गया, 40 मिनट इसमें जोड़ लिए तो आपका 4:10 आंसर हो गया, यह उत्तर होगा 4:10 आंसर हो गया, यह कई बार हम बताए हुए हैं, समझिएगा तब फिर बना सकते हैं इसको। उसी तरह 35 बन जाएगा, 36 गुना भाग वाला है, 37 गुना भाग वाला है, 38 ये कई बार हम बताए हुए हैं, ये फोटो बनाने के लिए आपके एग्जाम में भी आ चुका है, इसको बना सकते हैं आराम से, रीजनिंग में कोई जान नहीं होता है। 38 नंबर सवाल है, यहाँ पर विज्ञान फोटो बनाना है, विज्ञान ये होता है, विज्ञान के अंदर में होता है भौतिकी और इसके अंदर में होता है रसायन, दोनों अलग अलग पार्ट है, फोटो बन गया। अगला बोला यहाँ पर 40 नंबर बोलता है मशीन, मशीन ये पूरा भाग है, मशीन के अंदर में लेथ हो गया, लेथ के अंदर में गणित, बस आंसर हो गया, दोनों अलग अलग पार्ट है आंसर हो जाएगा। टेबल या टेबल टेबल मान लेते हैं, और फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर में टेबल होता है, यानी फर्नीचर के दुकान में टेबल होता है अंदर हो गया, उसका कुर्सी, तो कुर्सी अलग पार्ट है, टेबल और कुर्सी अलग पार्ट है, हो गया आंसर। सोना, यह सोना हो जाएगा, ये सोना मतलब क्या, एक सोना का भंडार है, और सोना गहना, तो गहना कुछ सोना से गहना बन जाएगा, और कुछ चांदी, यहाँ पर बोला चांदी ये चांदी है, ये इसको चांद गहना जो है कुछ चांदी का बन जाएगा, तो फोटो इस प्रकार से बनेगा, ये सब तो हम समझाएंगे अच्छे से तो फिर बना सकते हैं। 49 पर आइएगा, आगे बना के आप आंसर देंगे, आंसर क्या हो रहा है धीरे धीरे समझिएगा तब आंसर होगा आपका। 49 नंबर बोलता है 9:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, 9:30 बजे तक उपस्थित हो जाए, यह हुआ कोई निमंत्रण, मतलब कि एक कार्ड मिला है आपको, बोला जा रहा है कि 9:30 बजे तक आइए, कोई कार्यक्रम शुरू होना है, इसका मतलब 9:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है, ये पूर्व अवधारणा समझने वाली बात होते समझना पड़ेगा। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि यदि आमंत्रित व्यक्ति 9:30 बजे तक नहीं आएंगे तो प्रोग्राम शुरू नहीं होगा, आपको कार्ड मिल गया कि 9:30 बजे तक आइए, आप 9:30 बजे तक नहीं पहुँचेंगे तो क्या कार्यक्रम शुरू नहीं होगा, शुरू होगा, इसीलिए पहला नंबर आपका गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर वाला प्रोग्राम कार्यक्रम अनुसार शुरू होगा, एकदम बिल्कुल सही है, कार्यक्रम अनुसार तब तो कार्ड दिया है ना, ये 2 नंबर सही होगा, 1 नंबर गलत हो जाएगा।
अगला बोला कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। बोला कंप्यूटर की शिक्षा बचपन से शुरू कर दो, क्यों? कंप्यूटर आसान होगा तभी तो बच्चा शुरू करने। बोला पहला अवधारणा, कंप्यूटर सीखना आसान है, बिल्कुल सही है, सीखना आसान है तब तो बोला बच्चा से शुरू कर दिए। दूसरा, कंप्यूटर सीखने शिक्षा प्राप्त करने से नौकरी आसानी से मिल जाएगा, नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा हम नहीं जानते, लेकिन ये कंप्यूटर सीखना आसान होगा, ऊपर से जो निकलेगा उसी को निकालना है। तो आपका दो गलत एक सही हो जाएगा। आगे तो आपका ये आप मिल रहा है जीके जीएस वाला, इसको बना लीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आते, तब तक के लिए ठीक, सेंटर की ओर से जय।